सो गाइस, बार्सिलोना इज बैक और बार्सिलोना फैंस जो तरसे हुए थे बार्सिलोना को ला लीगा में मैच जीता हुआ देखने के लिए, एट लास्ट उनकी ये विश पूरी हुई और बार्सिलोना ने मायोर्का को 5-1 से ये मैच हरा दिया। इस वीडियो में इसी गेम का रिव्यू करेंगे, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए। देखो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी कंफर्टेबल स्कोर लाइन दिख रही है ना, उतना कंफर्टेबली हमने ये मैच जीता नहीं था, क्योंकि गेम पहले 60-65 मिनट तक इवन चल रही थी, 1-1 से ड्रॉ चल रही थी और बार्सिलोना फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस नज़र आ रहे थे, क्योंकि हमने रिसेंटली नवंबर में बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉप किए और कुछ इसी तरह की ही सिचुएशन थी जहाँ पर हम लोगों ने कुछ गेम्स तो बॉटल कर दी, जीती हुई गेम्स, सेल्टा की गेम जो थी वो हमने बॉटल कर दी और हमने अपनी लीड को बॉटल किया और हमने पॉइंट्स जो है वो ड्रॉप कर दिए थे, तो इसलिए ये गेम भी जो है वो हमें इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आ नहीं रही थी। पहले मैं लाइनअप की बात कर लेता हूँ। लाइनअप आपकी जो है वो ऑलमोस्ट आपकी फुल फ्लैश टीम खेल रही थी, जो बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स थे वो खेल रहे थे, लेवनडोस्की के अलावा सारी टीम अवेलेबल थी और लेवनडोस्की की जगह फेरान टोरेस ने गेम को स्टार्ट किया। एक बात आज की गेम से जो है वो प्रूव होती है कि लेवनडोस्की के बगैर भी हम खेल सकते हैं, हम 5 गोल भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन बार्सिलोना की टीम लामिन यमाल के बगैर जो है वो अधूरी नज़र आती है। लामिन यमाल ने इस सीज़न में जितनी भी गेम्स मिस की हैं या स्टार्ट नहीं किए हैं वहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। आज की गेम में लेवनडोस्की पूरा मैच नहीं खेले लेकिन हम लोगों ने फिर भी 5 गोल स्कोर किए, तो इस चीज़ से ये अंदाज़ा होता है कि लामिन यमाल बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं और लामिन यमाल के बगैर बार्सिलोना की टीम जो है वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाती, वैसे चांसेस क्रिएट नहीं कर पाती, फाइनल थर्ड में उतनी अफेक्टिव नज़र नहीं आ रही होती जितना लामिन यमाल के साथ नज़र आ रही होती है। तो लामिन यमाल का होना बहुत इम्पोर्टेंट है बार्सिलोना के लिए। आई होप कि वो इंजर्ड ना हो और वो थ्रू आउट अवेलेबल रहे बार्सिलोना के लिए, क्योंकि अभी दिसंबर के महीने में और आगे आपको पता है कि सीज़न में बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम्स बार्सिलोना खेलने जा रही है, तो जिसकी वजह से फ्लिक को लामिन यमाल को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना होगा। जब हमें 2-3 गोल की लीड मिल जाएगी जब भी, तो आपको चाहिए कि आप लामिन यमाल को रेस्ट करा दें ताकि आप जो उनकी इंजरी के चांसेस हैं वो मिनिमाइज कर सकें। लामिन यमाल की अगर मैं बात करूं तो पहले हाफ में लामिन यमाल का गेम इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में उन्होंने टोटली गेम चेंज कर दी। अभी मैं आऊँगा प्लेयर बाई प्लेयर, तब फिर उसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे। पहले हाफ की अगर मैं बात करता हूँ तो पहले हाफ में हमें 11th मिनट में लीड मिल गई थी थैंक्स टू फेरान टोरेस, और फेरान टोरेस समहाउ किसी तरह से वो बॉल नेट में चला गया था लेकिन इतनी क्लिनिकल फिनिश नहीं थी, डिफेंसिव एरर था वो जिसका फ़ायदा उठाया था फेरान टोरेस ने। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो फेरान टोरेस का गेम इतना अच्छा नहीं था, हमें काफ़ी सारे चांसेस मिले थे पहले हाफ में भी और हम काफ़ी वेस्टफुल थे। फेरान टोरेस का फर्स्ट टेस्ट बहुत ख़राब था और उनको समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ पर हमें उनको फर्स्ट टच में शूट लेना है, कहाँ पर उनको बॉल को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन थी। और बार्सिलोना को यार लेवनडोस्की का बैकअप जो है वो साइन करना होगा, अदरवाइज़ हम फेरान टोरेस के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो अब बड़े मैच में आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टफुल हो सकते हैं। पहले हाफ में आप अगर देखो तो 40th मिनट में जाकर मायोर्का ने गेम को ड्रॉ कर दिया, बराबर कर दिया था, और फिर वही बात कि हम ऑफसाइड ट्रैप बना रहे थे लेकिन ऑफसाइड ट्रैप वहाँ पर नहीं बन पाया। मार्जिनली मायोर्का के प्लेयर्स ने बड़ी क्लेवरनेस के साथ ऑफसाइड ट्रैप को तोड़ा और गेम 1-1 हो गया था। और फिर हमें एक बहुत अच्छा मौका मिलता है रफीनिया के थ्रू, जब 1-1 सिचुएशन में रफीनिया आ जाते हैं वहाँ पर हम लीड ले सकते थे, लेकिन रफीनिया ने वो गोल जो है ज़ाया कर दिया और पहला हाफ जो है वो 1-1 से ड्रॉ हो गया। सेकेंड हाफ में जब हम आते हैं तो लग ही रहा था हम एज अ बार्सिलोना फैन काफ़ी नर्वस नज़र आ रहे थे, क्योंकि रिसेंटली हमने इसी तरह जो है वो लीड्स जो है वो बॉटल भी की थी और हमने पॉइंट्स भी ड्रॉप किए थे, लेकिन सेकेंड हाफ में बार्सिलोना ने गेम को अच्छे से कंट्रोल किया। ऑफसाइड ट्रैप की मैं बात कर रहा था तो ऑफसाइड ट्रैप इस गेम में भी हमने 11 ऑफसाइड ट्रैप बनाए हैं, तो फ्लिक वही बात है कि अपने सिस्टम से नहीं हटते और वो जो उनका सिस्टम है, चाहे आप
पिछली गेम्स में आपने कितने ही गोल कंसीड कर लिए हो, जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन फ्लिक ने अपने सिस्टम को चेंज नहीं किया। 11 ऑफसाइड ट्रैप्स जो है हमने फिर भी बनाए, और बहुत बड़ा नंबर होता है किसी एक गेम में 11 ऑफसाइड ट्रैप बनाना। सेकेंड हाफ में गेम को हमने अच्छे से कंट्रोल किया और हमने चांसेस क्रिएट किए, और पहले हाफ और सेकेंड हाफ में फर्क ही यही था कि हमने सेकेंड हाफ में अपने चांसेस अवेल किए और हमने 4 गोल स्कोर किए। मैं लामिन यमाल की बात कर रहा था, लामिन यमाल ने एक पेनल्टी भी विन की और आउटर उन जो उनका सिग्नेचर अब जो है मैं बोलूँगा कि उनका पास है, उन्होंने वो पास दिया, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा दिया, एक तो डायरेक्टली असिस्ट हो गया और सेकेंडली जो है वो आप अगर देखें तो एक तरह से वो प्री असिस्ट बनता है, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने वो एक चांस क्रिएट किया था जिसके ऊपर हमें 2 गोल जो है उनके आउटर फुट के ऊपर मिले हैं। सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया, हमने काफ़ी सारी चेंजेस भी की और फिर हम फ्रेंकी डियोंग को लेकर आए ओल्मो की जगह के ऊपर, और फ्रेंकी डियोंग आज कैम पोजीशन पे खेलते हुए नजर आए और काफ़ी अफेक्टिव नज़र आ रहे थे। देखिए जब वो डीप खेल रहे होते हैं ना तो वो इतने अफेक्टिव अभी तक सीजन में नज़र नहीं आए, सिवाय उन गेम्स में जहाँ पर हम लोगों ने लीड ली थी बायन के अगेंस्ट या रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, जहाँ पर हमें गेम को कंट्रोल करना था वो काफ़ी अफेक्टिव थे गेम कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब हमें गोल चाहिए होते थे वो डीप खेल रहे होते थे, पिछली गेम जैसे लास्ट पालमास वाली गेम थी या उससे पहले वाली गेम्स थी, वो इतना ज़्यादा अफेक्टिव नज़र नहीं आ रहे थे। आज वो कैम पोजीशन पे बॉक्स के पास खेल रहे थे तो आपने देखा कि एक उन्होंने गोल भी स्कोर किया और एक उन्होंने असिस्ट भी किया। तो अब देखना ही होगा कि उनको किस तरह से फ्लिक यूज़ करते हैं, क्या उनको डीप खिलाएंगे या वो उनको कैम पोजीशन के ऊपर खिलाएंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए कि फ्रेंकी डियोंग अच्छा परफॉर्म करें। अब वो जिस मर्जी पोजीशन के ऊपर करें वो तो अब मैनेजर के ऊपर है कि वो उनको किस तरह से लेकर चलते हैं। यार मैं अगर प्लेयर बाय प्लेयर जाकर बात करूँ ना तो इनाकी पीने का गेम काफ़ी डिसेंट गेम रहा था, ज़्यादा टेस्ट नहीं हुए, एक ही गोल पड़ा और जिसमें वो कुछ कर नहीं सकते थे। उसके अलावा कुबारसी और इनिगो मार्टिनेस एज यूजुअल रॉक सॉलिड थे। कुंदे आज थोड़े अफेक्टिव नज़र नहीं आ रहे थे, कुंदे जो है वो देखा जाए तो पिछली 2-3 गेम्स में इतना ज़्यादा अफेक्टिव नज़र नहीं आ रहे, शायद फटीग है, शायद वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज कर गए। उसके अलावा बल्दे का गेम काफ़ी डिसेंट गेम था, और कसाडो और पेड्री का डबल पेवट, ये तो इस वक्त आपको पता है कि बार्सिलोना इस ये का बेस्ट कॉम्बिनेशन इस वक्त वो बना हुआ है। कसाडो का पिछले 1-2 गेम से मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है, आज कसाडो थोड़े से जो है ना वो उस तरह के कसाडो नज़र नहीं आए जिस तरह से वो थ्रू आउट नज़र आ रहे हैं। आज उन्होंने येलो कार्ड भी ले लिया जहाँ पर ज़रूरत नहीं बनती थी, उनकी डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो कसाडो को जो है अपनी गेम को थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा क्योंकि हमें आदत पड़ गई है प्राइम कसाडो को देखने की। उसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ पेड्री की, तो पेड्री का गेम काफ़ी डिसेंट था, और लामिन यमाल मैंने आपको बताया कि भाई लामिन यमाल ने जो नंबर्स प्रोड्यूस किए हैं, 5 गोल ऑलरेडी कर स्कोर कर चुके हैं, 8 असिस्ट वो ऑलरेडी दे चुके हैं, और जो अच्छी बात है वो ये है कि देखो वो बेशक उनके नंबर्स इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वो मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेयर होते हैं बार्सिलोना के लिए, और जब वो खेल रहे होते हैं तो बार्सिलोना भी बेस्ट टीम नज़र आ रही होती है, तो वो बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर है बार्सिलोना के लिए, और कमाल की उनकी जो है वो परफॉर्मेंस रही है सेकेंड हाफ में स्पेशली। आज पेनल्टी भी विन की, असिस्ट भी दिया, तो कमाल की उनकी परफॉर्मेंस है। उसके अलावा अगर मैं रफीनिया की बात करूं तो रफीनिया ने एक पेनल्टी भी स्कोर की और उसके बाद उन्होंने गोल भी स्कोर किया, और रफीनिया की अगर मैं इस सीज़न की बात करूं तो 16 गोल वो स्कोर कर चुके हैं, 10 असिस्ट वो कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि बैलेंडर की रेस के लिए वो अभी तक सबसे आगे जा रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी जा रही है। पिछली गेम में भी बड़े अनफॉर्चुनेट रहे थे, वो गोल बड़ा प्यारा गोल उन्होंने गोल स्कोर किया था लास्ट पालमास के अगेंस्ट, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली वो गेम हार गए थे। और यार पाओ विक्टर की मैं बात करना चाहूँगा, पाओ विक्टर जब आए हैं सेकेंड हाफ में, तो सेकेंड हाफ में फेरान टोरेस की जगह तो पाओ विक्टर बहुत इफेक्टिव नज़र आ रहे थे। उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ थी उनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी थी, एक गोल भी उन्होंने स्कोर कर दिया और बहुत इम्पैक्टफुल नज़र आ रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाओ विक्टर को फेरान टोरेस से के ऊपर जो है ना मेरे ख्याल से प्रेफर करना चाहिए। अगर लेवनडोस्की नहीं खेल रहे हैं या आप उनको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो पाओ विक्टर को आपको खिलाना चाहिए। उनका लिंकअप प्ले भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था और उनकी पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी। तो बार्सिलोना समहाउ 5 गोलों से ये मैच जीत गई, और एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी कंफर्टेबल विन नज़र आ रही है ये। आई होप कि बार्सिलोना ने जो मोमेंटम खो दिया था लालीगा में वो मोमेंटम अब बार्सिलोना गेन करे, क्योंकि आगे बहुत
मुश्किल गेम्स आ रही है। हमने रियल बेटिस के अगेंस्ट खेलना है, वो भी अवे गेम होगा, फिर डॉर्टमुंड के अगेंस्ट भी खेलना है। बहुत अच्छी बात है कि लेवांडोव्स्की को आज के मैच में रेस्ट मिल गया, अब वो थोड़ा फ्रेश आएंगे अगली गेम के लिए, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना को अब दोबारा से मोमेंटम गेन करना होगा। कल जो है वो रियल मैड्रिड अपनी गेम खेलेगी और बार्सिलोना की इस वक्त 4 पॉइंट की लीड है रियल मैड्रिड के ऊपर। रियल मैड्रिड के पास 2 गेम्स इन हैंड है, ऑब्वियसली अगर वो 2 गेम्स जीतती है तो वो बार्सा के ऊपर 2 पॉइंट की लीड ले लेंगे। लेट्स सी, अब बार्सिलोना को ऑब्वियसली जो है वो देखना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड अपनी गेम्स में क्या करेगी, तो तभी हमें टेबल की पोजीशन जो है वो पता लगेगी। ये था मैच का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो यह वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।